Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ईरान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर यह है कि ईरान में मसूद पजश्कियां देश के नवे राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने कट्टरपंथी सईद जलीली को शिकस्त दी है। मसूद को एक हिजाब विरोधी और उदारवादी नेता के रूप में जाना जाता है। ईरानी स्टेट मीडिया के अनुसार मसूद पजश्कियान को 1.64 करोड़ वोट मिले हैं, वहीं जलीली को 1.36 करोड़ वोट हासिल हुए। आपको बता दें कि ईरान में इसी साल फरवरी में चुनाव हुए थे, जिसमें इब्राहिम रईसी दोबारा सत्ता में आए थे। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण यह चुनाव दोबारा हुआ है। इस साल 19 मई को रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। मसूद पजश्कियान एक सर्जन रह चुके हैं, वह फिलहाल देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक भाषणों के दौरान उन्होंने कई बार हिजाब की खिलाफत की है। उन्होंने कई बार कहा है कि वो किसी प्रकार के मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव में हिजाब का मुद्दा छाया रहा। साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में हिजाब कानून लागू हुआ था। इस कानून के बनने के बाद ईरान की महिलाएं अलग अलग तरीके से इसका विरोध करती रही हैं। हिजाब का विरोध कर रही 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे।